is a name which I had only heard on papers and read about. I am so honored and privileged to share a stage with somebody who has a huge expanse of work on Urdu poetry. She is the modern authority on progressive writers movement. We may have heard about progressive writers movement in Urdu, but many of us don't exactly know what it is. तो मैं आसान जुबान में इसको थोड़ा सा इसका परिचय देते हुए और एक्सपर्ट के हवाले इस मुद्दे को करूंगा. क्लासिकी गजल के जो मौजू और मजामीन थे उसमें साकी, मैखाना, इश्क, मोहब्बत, इस तरह के तमाम मौजू थे. और एक दौर ऐसा आया कि ये बात चली कि आर्ट शुड नॉट बी जस्ट फॉर आर्ट सेक, आर्ट शुड हैव अ पर्पस, आर्ट शुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज. परहैप्स द आइडिया वाज बोरोड फ्रॉम द मार्क्सियन प्रैक्सिस. एंड देन समथिंग हैपेंड, सम पीपल गॉट टुगेदर एंड दे डिसाइडेड दैट वी शुड इंट्रोड्यूस न्यू सब्जेक्ट्स टू द डोमेन ऑफ उर्दू पोएट्री. Of course, Rakshanda would not agree to that because she believes that the progressive writers movement or progressive elements in Urdu poetry were a result of a gradual process of evolution. So Rakshanda, how would you define progressive writers movement and subjects related to it? Sir, ye aapne wo jo pehna hua hai na usse reflection bahut tez aa raha hai. Usko thoda sa kuch aage piche kar diye. Kya ye jo aapne Thank you, Amitabh, for giving that very comprehensive background. Leaves me many points to build and elaborate on. To answer your question, yes, I don't believe that there is a fixed date. We do have a date, we'll come to that, 9th April 1936, when the first All India Progressive Writers Meeting happens here in your city. We'll come to all of that later. But I don't think that 9th April 1936 is carved in stone as the beginning of the date. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूंगी अपनी बात कहने समझाने के लिए. इसमत चुगताई ने एक इंटरव्यू में एक बहुत अच्छी बात कही थी. उन्होंने कहा था कि कोई भी डेट हमें बांध नहीं सकती है किसी मूवमेंट की शुरुआत से. जब पहली दफा आदिकाल के मानव ने अपनी आवाज उठाई थी नाइंसाफी के खिलाफ, किसी भी जुल्म के खिलाफ, टिरनी के खिलाफ, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, और उसने उस आवाज उठा के कुछ एक्सपेक्ट किया था कि बेहतरी की सिचुएशन पैदा होगी आदि मानव ने, आज से हजारों साल पहले, तब से प्रोग्रेसिविज्म शुरू हुआ है. और प्रोग्रेसिविज्म को आप ये नहीं कह सकते कि मूवमेंट डिक्लाइन हो गया, मूवमेंट में कमी आ गई या मूवमेंट श्रिंक हो गया तो प्रोग्रेसिविज्म खत्म हो गया. उसी इंटरव्यू में इसमत यह भी कहती हैं, जब तक तालाब में बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी तब तक प्रोग्रेसिविज्म जिंदा रहेगा. तो कहने का मतलब यह है कि हम मूवमेंट को तो स्टडी कर सकते हैं एक लिटरेरी हिस्टोरियन के तहत, जो मेरा काम रहा है पिछले काफी सालों से, लेकिन मैं आई कांट सिट इन जजमेंट एंड डिसाइड दैट दिस इज ओवर, दिस इज खत्म शुद्ध, दिस इज द एंड. तो मूवमेंट्स और आइडियाज दो अलग अलग चीजें हैं. मूवमेंट्स कमजोर पड़ जाते हैं कभी कभी क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी उनमें से निकल जाती है, ये बहुत से रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जो आइडियाज होते हैं वो एक प्रिंसिपल रियलिटी होते हैं. फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे के जो आइडियाज थे, इक्वालिटी, फ्रिटर्निटी, ब्रदरहुड, ये सारी जो चीजें थी, क्या आप मानेंगे कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हुआ, उसके गोल्स अचीव हो गए, तो वो आइडियाज इक्वालिटी फ्रिटर्निटी के नहीं रहे? ऐसा तो नहीं मुमकिन है ना. आज भी जहां जहां डेमोक्रेसीज हैं, फंक्शनिंग डेमोक्रेसीज हैं, तो जो जो सीख हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से ली, जो हमारे सुतून, हमारे पिलर्स बने, वो अपनी जगह है. लिबर्टी का आइडिया, प्रोग्रेस का आइडिया, कोई भी नेता उसको अपने एक स्लोगन के साथ जोड़ दे वो अलग बात है, फिर उसका एक उसकी एक शेल्फ लाइफ हो जाती है, लेकिन अपने आप में प्रोग्रेसिविज्म की कोई शेल्फ लाइफ. जो आपने बात कही वो जरूर पत्थर की लकीर पे खुदा हुआ है.
और उर्दू में कहते हैं ख्याल कभी नहीं मरता, और उसके संदर्भ और उसकी जगह बदल जाती है। तो प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट से जो आइडियाज निकले, जैसा कि रक्षिंदा ने बताया, ये एक पूरा प्रोसेस था और धीरे धीरे ये बदलाव है, जाहिर सी बात है। और मेरी बहुत दखल नहीं है, आई एम द मॉडरेटर ओवर हियर, लेकिन मैंने ये सुना है कि जब कुरान का पहली बार तर्जुमा होता है उर्दू में तो उस पर भी आपत्ति होती है। और ये बात यहाँ साफ करना इसलिए जरूरी है कि उस वक्त ये बात कही जाती है कि भाई ये उर्दू जुबान ऐसी नापाक जुबान है जिसमें आप कुरान का तर्जुमा करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। वैसे ही उर्दू शायरी, उर्दू पोएट्री के अंदर जब नए बदलाव आते हैं तो बहुत से लोगों को इस बात से शिकायत होती है, लेकिन वो कई बार बदलाव जरूरी होते हैं। तो रक्षिंदा जी, आप ये बताएं कि प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट से जो आइडियाज निकलती हैं, हाउ वर दे रेलेवेंट इन दोज टाइम्स? Perhaps it started around the freedom movement, yes, when it was at its peak. So please, if you may name a few poets. And certainly. You know, there is nothing in the progressive movement and the progressive ideology from the 30s, 40s, 50s, jisse aap aur main itraz kar sakte hain. Progressives keh rahe hain ki hame jitne bhi bade isms hain hamare samay ke, hamare samaj ke, hamare waqt ke, hame unke saath, aap baithi hain yahan, lawyer hain, common cause, you know, the idea of making common cause with a bigger project. So let us make common cause with feminism, anti-fascism, anti-imperialism, anti-colonialism, nationalism, aur aur bhi jitni bhi cheeze hain, land reform, zamindari abolition, old men marrying young women, Premchand ki kahaniyon mein sab cheezon ka zikr hai. Premchand is an early progressive. Wo 36 mein aake usko apni blessings dete hain, बट उससे पहले तो वो बहुत सी ऐसी चीजें लिख रहे हैं जो हम आज प्रोग्रेसिविज्म की निशानी मानते हैं। तो टू आंसर यू, प्रोग्रेसिव्स हैव बीन डूइंग वेरियस थिंग्स एट वेरियस पॉइंट्स। उन्होंने अपने इन्फ्लुएंसेस लिए हैं बहुत जगहों से, उन्होंने रशियन रेवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस लिया है, उन्होंने फ्रेंच सिंबलिज्म से इन्फ्लुएंस लिया है, उन्होंने मॉपसा की कहानियों से, ओ हेनरी की कहानियों से, रशियन मास्टर्स की कहानियों से इन्फ्लुएंसेस, right? So all of this has been happening. 1857 I see as a change in the way poetry has been written. Aapne Urdu poetry ki baat ki, to jo ek khas qisam ki ghazal, ek khas qisam ki poetry likhi ja rahi thi, jo us waqt tak likhi ja rahi thi, isme shama, parwana, ye sab cheeze thi, in sab cheezon ko kuch had tak badla, kuch had tak hataya, lekin inke usage ko bhi badla. यानी जो बागबान का जिक्र है वो सिर्फ गार्डनर नहीं है, वो बागबान वो है जो आपके मुल्क को चला रहा है, वो बागबान क्रूअल भी हो सकता है, वो बिनाइन भी हो सकता है। तो वो एग्जिस्टिंग जो हमारे पास टर्म्स थे, काफिर आजकल बहुत उछाला जाता है और समझा जाता है कि ये एक एंटी हिंदू वर्ड है, बट काफिर हैज बीन यूज्ड इन उर्दू पोएट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड इट इज नॉट बीन यूज्ड इन अ रिलीजियस सेंस एट ऑल। तो उर्दू पोएट्री में ही बहुत से यूसेज कई सौ साल के इस्तेमाल से बदल रहे थे, प्रोग्रेसिव्स के आने से और भी बदलाव आए। एक ट्रेडिशनल गजल का बहुत ही कॉम्पैक्ट जॉन है, बहुत कॉम्पैक्ट हाइकू लाइक उसकी ब्रेविटी है, उसमें नई बात कहने की कोशिश की थी, और नज्म जो अब तक ज़्यादा नहीं लिखी जा रही थी, सिंगल हैंडेडली प्रोग्रेसिव्स ने अगर लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन के तौर पर आप देखेंगे तो शॉर्ट स्टोरी में जो उनका कंट्रीब्यूशन है, कैसे ड्रामेटिक फ्लावरिंग हुई है शॉर्ट स्टोरी की प्रोग्रेसिव्स के हाथ में। और ये भी है कि जिसको हम कहते हैं मवाद, यानी मटेरियल, इतना मटेरियल है जो प्रोग्रेसिव्स का हाई नून है, ग्लोरी डेज है, वो इंडियन हिस्ट्री के सबसे ज्यादा टिमल्टस टाइम है। देयर इज गांधी जी इज कॉल्ड टू सत्याग्रह, देयर इज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देयर इज you know, all kinds of national activities happening, major political events are happening, and all of these events are being used for poetry. ये सब बहुत नई चीजें हैं। इससे पहले एक आज भी लोगों को एक एतराज के तौर पे ये कहते हैं कि उर्दू पोएट्री इज अबाउट इश्क मोहब्बत, क्षमा परवाना है, इश्क मोहब्बत क्यों ना हो, वो भी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन और भी हम इस जमाने में मोहब्बत के सिवा, साहिर ने कहा है ये बात।
तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अब तक दे वर कंसिडर्ड बियॉन्ड द पेल ऑफ पोएट्री, दे आर बीइंग ब्रॉट इनटू इनटू पोएट्री. सो यू कैन यू हैव अ हसरत महानी राइटिंग अ पोएम ऑन रौलट एक्ट. ये मुमकिन नहीं था इससे पहले. आई मीन रौलट एक्ट हो रहा है जिसके पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं, जलियांवाला बाग हो रहा है उसके बाद, ये चीजें अब तक शायरी में नहीं दिखती थी हमको. प्रोग्रेसिव्स ने हमको ये बताया कि नथिंग नथिंग इज बियॉन्ड द पेल. हर चीज पे शायरी मुमकिन है, गजल में भी मुमकिन है, नज्म में भी मुमकिन है, और नए जैसे आजाद नज्म सजा जहीर. अच्छा अमिताभ, हमें सजा जहीर का आज जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है कि उनकी आज आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 117th बर्थ एनिवर्सरी है आज के दिन. एंड आप ही के लखनऊ शहर के, वो प्राउड सन ऑफ लखनऊ, प्राउड सन ऑफ अवध. तो अब जो मैं बात कह रही थी वो ये कि सजाद जहीर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग इन द आज़ाद नज़्म, यू नो, फ्री पिघलता नीलम उनकी एक कलेक्शन था. तो इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स जो अब तक नहीं हो रहे थे. सो देयर इज एन अमेरिकन एक्सप्रेशन, पुशिंग द एनवेलप, व्हिच मींस यू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी देयर. I think also what the progressives are doing is that they're constantly pushing the envelope. They're constantly improvising. They're bringing out experiments. Uske results uneven ho sakte hain. Ye baat main manti hoon. Usme ek jhol aata hai. Usme consistency nahi hai. Kahin kahin propaganda bhi hai. Kahin kahin knee-jerk reactions bhi hain ki aaj koi waqia hua. Naval mutiny hui Bombay ke shore pe. Right, the great naval uprising, and foreign khat se nazm likh di gayi, khat se ghazle likh di gayi. Reflection, introspection, ye sab cheeze bhi shayari ke liye zarurat hai. Aksar progressives ki shayari mein ek hame knee-jerk quality bhi milti hai, so usko bhi manna padega. Jis apne Hazrat Mohali ka naam liya, to unhone ishq ka daman choda nahi. और आप में से बहुत से लोगों को ये मालूम होगा और बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हसरत मोहानी हैं. उन्होंने जेल में चक्की पीसी है. और उर्दू शायरी अपने आप में पहले से ही सेक्युलर बहुत ज़्यादा रही, इसीलिए उसके अंदर ये स्कोप था कि नए मजामीन आए. काफिर तो हीरो हुआ करता था उर्दू शायरी का, वो विलेन नहीं था. खैर, after what we have heard from you about the fine differences and the fine and the nuances of progressive writers movements elements which were brought in, I am tempted to ask you as to what is the difference between modern poetry and progressive poetry. Uska main tarjuma kar dun, tarakki pasand shayari aur jadidi shayari ke andar kya fark hai. Faiz bhi kuch waqt tak mera khayal hai usse jude hue the. Meera ji thi, Meera देखिए जी, शुरू में ये कैंप्स नहीं थे. ये जैसे अखाड़ों के कैंप्स होते हैं ना, दो अलग अलग हिस्से होते में वो बढ़ जाता है, ऐसे नहीं था. वक्त के साथ साथ ये बन गया ऐसे. जदीद और तरक्की पसंद बिकेम पोलराइज इन द अर्ली डेज. आपने फैज का नाम लिया, अस्करी साहब का नाम लिया. देयर वाज अ लिटरेरी ग्रुपिंग कॉल्ड हल्काए अरबाब ज़ौक, सर्कल ऑफ मेन ऑफ गुड टेस्ट. And so the memberships, as it were, membership as such, paise deke membership nahi thi, but jo log jaate the na halqon mein, wo common the. Wo halqe mein bhi jaake baitha karte the, progressives ki meetings mein bhi jaake baitha karte the. Lekin waqt ke saath ek codification aa gaya. Aur essential difference ye hai ki progressives kehte hain nostalgia is a bad word. We have to look forward. Hame apna peeth ke piche dekhne ki zarurat nahi hai, at our past glories. हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि यू नो वी हैव हैड सच अ ग्लोरियस पास्ट एंड वी वर द रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड वगैरह वगैरह. हमें आगे की तरफ देखना है, अपने फ्यूचर को और तंदुरुस्त बनाना है, अपने प्रेजेंट पे काम करना है. तो बुनियादी तौर पे ये बात थी. और मैं नहीं था प्रोग्रेसिव में, हम था. एक कलेक्टिविटी थी, यानी मैं अपने दुख, अपनी परेशानी, अपने एंग्स, अपने डिसलोकेशन की बात, ये सब चीज़ें प्रोग्रेसिव्स में नहीं था. जदीद ने कहा कि नहीं, मेरा दुख, मेरी हैरानी, मेरी परेशानी वैलिड है, उसकी लेजिटिमेसी है, और अदब ने उसके लिए जगह है, और अगर नहीं है तो हम बनाएंगे. बुनियादी तौर पे ये फर्क था.
लेकिन वक्त के साथ साथ ये फ़र्क 60s तक आते आते मिटने लगे. मेरे जहन में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं अभी कुछ लोगों से मिली, जिनका ताल्लुक अलीगढ़ से है, तो उनके शहर के एक शायर का जिक्र करती हूँ, शहरयार का. आई हैव रिटन हिज बायोग्राफी आल्सो. शहरयार इज स्टैंडिंग एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रोग्रेसिविज्म एंड मॉडर्निज्म, एंड शहरयार इज सेइंग, आई मीन नॉट आर्टिकुलेटिंग इट इन सो मेनी वर्ड्स, बट हिज पोएट्री इज शोइंग टू अस दैट इज पॉसिबल टू बी बोथ. Because you can have a social consciousness, जो कि progressivism demand करता है आपसे, और आप अपने लहजे में अपने symbols का इस्तेमाल करते हुए एक बात कह सकते हैं जो लगता है कि ये बड़ी जदीद शायरी है, but actually वो समाज की बात करती है. अगर आप इजाज़त दें तो एक जहन में इस वक्त एक छोटी सी नज़्म है शहरयार की, जो इस बात को I think exemplify करती है. सुनिए, शहरयार कहते हैं, वो जो आसमां पे सितारा है अपनी आंख से देख लो, अपने हाथ से छू लो, अपने होंठ से चूम लो, कि उसी पे हमला है रात का. या? तो अब ये एक मॉडर्न पोएम है, ये मॉडर्न इमेजेस का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ये बात तो समाज की कर रही है. ये सिर्फ अपनी कि मैं छूंगा ये मेरा है ये तो नहीं कह रही है. तो बुनियादी फर्क जो था दोनों के बीच में, और जिसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा समाज की बात की प्रोग्रेसिव्स ने, प्रोग्रेसिव्स का एक वक्त आया जब उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इसमत चुपताई, जो कि जनाना माहौल घरेलू तरीके से, लेकिन बड़ी बात कहती थी, फेमिनिस्ट बात कहती थी, बट उनकी उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस औरतों का एक माहौल था. उनसे कहा गया कि नहीं नहीं ये सब बस बहुत हो गया, अब आप फैक्ट्री वर्कर्स पे कहानी लिखी. राजेंद्र सिंह बेदी जो कि लोअर मिडिल क्लास के लोगों पे, पोस्टल क्लर्क्स पे और ऐसे लोगों पे कहानियां लिखते थे, गरम कोट जैसी कहानियां, उनसे कहा गया ये सब कुछ नहीं है, आप खेत में काम करने वाले भी कहानी लिखी. तो इस्मत ने कहा मैं तो फैक्ट्री वर्कर्स को नहीं जानती हूँ, मेरा मिल्यू है, मैं उस मिल्यू में रह के बात करूँगी. बेदी साहब ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ खेत में काम करने वाले लोगों, मैं बात फिर भी समाज की करूंगा, लेकिन मैं जिस तबके को जानता हूँ उस पर करूंगा. लेकिन जब ये डिक्टाट से शुरू होने लगे, जब राइटर्स को, क्रिएटिव राइटर्स को कहा जाने लगा कि नहीं आपको इस पर लिखना है, वहाँ लोग हटते गए. और वहाँ इन अ प्योरली लिटरेरी सेंस, जैसे जैसे एक मूवमेंट दबा, दूसरा मूवमेंट उठा, चूंकि जदीदियत है. आपने बहुत खूबसूरती से इस बात को साफ कर दिया, बहुत आसान अल्फाज में, कि जहाँ समाज को लेकर के प्रोग्रेसिव राइटर्स चल रहे थे, यहाँ जदीदी राइटर्स अपनी बात करते थे. और एक नाम जो मैं उस वक्त भूल गया था, वो नून मीम राशिद का है. कितनी बातें उन्होंने कही. खैर, ये वक्त जदीदी शायरी का नहीं है, तो हम वापस मौजू पर आते हैं. इट इज कॉमनली अंडरस्टूड दैट देर आर थ्री प्राइम एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रेसिव राइटिंग: Western orientation, pragmatism, and Marxism. Progressive writing के ऊपर और writers के ऊपर ये इल्जाम आता है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, उस आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे और अपना एजेंडा अपनी राइटिंग के साथ चला रहे थे. इस पर आप क्या कहेंगे? ये इल्जाम बहुत कॉमन है कि ज्यादातर लोग के जहन में ये है कि the progressive writers movement and the progressive writers association was a front for the Communist Party of India. मैं नहीं मानती हूँ कि front है. मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि there was what I like to call fellow travelers, यानी साथ चलने वाले लोग. जो साथ चलने वाले लोग थे, एक तो core team थी. Core team में ये बात है कि ज़्यादातर communists थे, known communists थे, members of the party थे, सज्जाद ज़हीर, महमूद ज़फ़र, रशीद जहाँ, अहमद अली was not, but others were लार्जली पीपल जिनकी लेफ्ट ऑफ सेंटर हम कह सकते हैं सेंसिबिलिटी थी. और लेफ्ट ऑफ सेंटर इस तरह से कि वो अदब को, साहित्य को समाज से जोड़ना चाहते थे. प्रेमचंद भी, प्रेमचंद तो कोई कम्युनिस्ट नहीं थे, लेकिन उनकी एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. प्रेमचंद कह रहे हैं आपसे कि साहित्य का उद्देश्य है आईना दिखाना, एक एक समाज को, टू शो अ मिरर टू सोसाइटी, एंड इन दैट मिरर यू सी वॉट एवर इज इन good, bad, ugly, indifferent. तो देखिए, social consciousness होना, socially engaged literature लिखना, socially purposive literature लिखना,
कम्युनिज्म कम्युनिस्ट होना नहीं है. तो एक ग्रुप जरूर था, एक कोर ग्रुप जरूर था जो कम्युनिस्ट थे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जिनको मैं मानती हूँ फेलो ट्रैवलर्स थे, यानी वो एक साथ चल के एक बदलाव लाना चाहते थे, वो एक मूवमेंट का हिस्सा थे, वो एक लहर का हिस्सा थे, और वो चाहते थे कि सोशल कॉन्शियसनेस जो है वो किसी भी जरिए से आए, वो आपको कम्युनिस्ट टैक्स से आए या कम्युनिस्ट टैक्स से नहीं बल्कि जमीन से जुड़ के आए. देखिए ग्राम्ची एक इटालियन फिलोसोफर पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिनका मानना था कि कुछ लोग होते हैं जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स होते हैं. ऑर्गेनिक इसलिए कि वो ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं. तो जो ज़मीन से जुड़े हुए इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने टेक्स्ट और ट्रीटसेस पढ़े हों, उनको अपनी एक समझ होती है, उनको वो समझ लिव्ड एक्सपीरियंसेस से आती है, आम आदमी गरीब आदमी के साथ उठने बैठने से आती है, वो उनके बीच में रहते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी बातें समझते हैं और उससे उनको ये समझ आती है. और एक समझ वो भी होती है जो आप पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट में क्लासरूम में बैठ के समझते हैं या लाइब्रेरी में जाके मैनिफेस्टो पढ़ के आती है आपको समझ. तो समझ आपकी कहाँ कहाँ से आ रही है. जो प्रोग्रेसिव्स थे, इस्मत का एग्जाम्पल मैं दोबारा लेती हूँ, इस्मत की भी एक लेफ्ट ऑफ सेंटर सेंसिबिलिटी है, बावजूद इसके अगर कुछ जनाने में लोकेटेड कहानी भी है तो उसमें एक सोशल कॉन्शियसनेस है. लेकिन मुझे नहीं लगता, ये मेरा ज़ाती ख्याल है, कि इस्मत ने कोई बहुत गहराई से, शी वॉज अ ग्रेजुएट, शी वेंट टू यूनिवर्सिटी, शी वॉज स्टडीड हियर ऑल्सो, शी वेंट टू अलीगढ़ ऑल्सो, सो शी वॉज एन एजुकेटेड वूमन, बट आई समहाउ डोंट थिंक दैट शी एक्चुअली स्टडीड कम्युनिस्ट टेक्स्ट, यू नो शी डिडंट, बट शी हैड अ मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये बहुत मुमकिन है कि आपका एक मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट नज़रिया हो, दुनिया को देखने का तरीका ये हो कि आप बड़े और छोटे का फ़र्क ना करें. मैंने एक किताब लिखी है डॉक्टर रशीद जहाँ पे, अगेन फ्रॉम योर सिटी लखनऊ, माई मदर रिमेंबर्स, माई मदर ऑल्सो ग्रो अप इन लखनऊ, शी रिमेंबर्स हर व्हेन मम्मी वॉज वेरी यंग एंड वॉट शी टोल्ड मी वॉज समथिंग सो इंटरेस्टिंग एंड इट स्टेड इन माई माइंड. शी सेज वो बड़े और छोटे का फ़र्क नहीं करती थी, वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से भी वैसे ही बात करती थी और वो छोटे बच्चे से भी वैसे ही बात करती थी. तो मुझे लगता है गरीब आदमी से भी, घर में काम करने वाले मुलाजिम से भी वैसे ही बात करती थी और कोई बहुत बड़े अदीब से भी वैसे ही बात करती थी. मुझे लगता है कि सोशलिज्म ये भी तो है, ये भी तो दुनिया को देखने का एक तरीका है कि आप फ़र्क ना करें बड़े और छोटे का. क्योंकि हमारी जो समस्याएँ आई हैं, जो हमारे सोसाइटी के झोल आए हैं, जो अनइवननेस आई है, जो क्रैक्स पड़े हैं, वो सब मेरे ख्याल से बुनियादी तौर पे इस वजह से, अगर बहुत सिंपलिस्टिकली बात को कहा जाए तो शायद इस वजह से आया कि हमारे यहाँ फ़र्क है. हमारे यहाँ जब फ़र्क होगा तो एक्सप्लॉयटेशन होगी, जब एक्सप्लॉयटेशन होगा तो उससे जुड़े हुए 50 और सोशल इवल्स आएंगे. तो जो ये फ़र्क है, रशियन रेवोल्यूशन क्यों आया था, इसी वजह से आया था कि वो अमीर और गरीब का फ़र्क बहुत बड़ा था. सॉरी, दिस इज़ माई फेवरेट हॉबी हॉर्स, सो आई कैन गो ऑन. No, thank you for clarifying that for us, because they were, as much as I understood of what you said, they were naturally doing things which they wanted to do, and it was for others to bracket them as to what their work was about. आपने लखनऊ का हवाला दिया और अपनी अम्मी का हवाला दिया और जो बायोग्राफी आपने जिन साहिबा पर लिखी उसका हवाला दिया, तो प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट की भी जड़ें लखनऊ से जुड़ी हुई हैं. And they are very deeply rooted in this city of Lucknow. और इस लखनऊ के अंदर ही प्रेमचंद का जिक्र आया. प्रेमचंद ने वो जो एक कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रेमचंद ने अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया जिसमें ये बात कही कि साहित्य के क्या विषय होने चाहिए, क्या उसका उद्देश्य होना चाहिए. तो लखनऊ का क्या कनेक्शन है प्रोग्रेसिव राइटिंग से, मूवमेंट से और सब्जेक्ट से, इस पर आप कुछ प्रकाश डालें. जी, आपके शहर का एक बहुत बड़ा रोल रहा है प्रोग्रेसिव मूवमेंट पे. लखनऊ एक मरकज, एक केंद्र रहा है, सेंटर रहा है प्रोग्रेसिव मूवमेंट का. आगे चल के वो बॉम्बे हो गया, बॉम्बे प्रोग्रेसिव करके एक पूरा स्कूल बन गया. लेकिन चलिए बात को शुरू से करते हैं. 9 अप्रैल 1936 में यही इसी शहर में रिफाय आम हॉल है. रिफाय आम हॉल से एक लहर उठती है. ये है पहली ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की मीटिंग, कॉन्फ्रेंस.
जिसमें प्रेमचंद आके सदारती जलसा जलसे में अपना इनॉगरल एड्रेस पेश करते हैं, जो कि बतौर प्रेसिडेंट की पेश करते हैं। उसमें पूरे मुल्क से लोग आए हुए, एक ऐसे वक्त पे जहाँ टेलीग्राम्स के अलावा और कोई तरीका नहीं था, या ख़त के अलावा कोई तरीका नहीं था लोगों को इन्फॉर्म करने का, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ से, लोगों के एंथुजियाज्म से ये बात पूरे मुल्क में फैल गई है कि एक कोई बहुत हिस्टोरिकल चीज़ होने वाली है। और तमिलनाडु से, बंगाल से, उड़ीसा से, लाहौर से, दिस इज़ अनडिवाइडेड इंडिया रिमेंबर, महाराष्ट्र से डेलीगेट्स आए हैं, और उर्दू और हिंदी के ज़्यादा तादाद में हैं, इसलिए कि जो इंजन है, जो जो लोग हैं जिसको ड्राइव कर रहे हैं, वो उर्दू और हिंदी के राइटर्स हैं, लेकिन बांग्ला के, तमिल के, मराठी के, बहुत सी जबानों के राइटर्स इसमें आके जुड़ रहे हैं। तो 9 सितंबर को जो बातें यहाँ हो रही हैं, एक ऐसे वक्त में जहाँ इंटरनेट नहीं है, जो आजकल सोशल मीडिया जो एम्प्लीफाई करता है मैसेजेस को, वो नहीं है, उसके बावजूद जो बात यहाँ से उठ रही है उसका असर पूरे मुल्क में जा रहा है, टू द नुक्स एंड क्रैनीज ऑफ द पॉपुलर इमेजिनेशन। प्रेमचंद आके अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कहते हैं कि हमें खूबसूरती का मयार बदलना होगा, वी हैव टू चेंज द स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी। बहुत सालों से हमने बहुत अफसाने लिख लिए, बड़ी दास्तानें कह ली और सुन ली, अब हमें उस बात की बात करनी है कि खेत में जो औरत काम कर रही है उसके माथे पे जो पसीना है उस पे भी कहानी लिखिए, उस गरीब औरत पे भी कहानी लिखिए जो काम कर रही है और फिर जाके अपने बच्चे को भी दूध पिला रही है और फिर अपना पसीना पोंछ रही है और फिर जाके गांव में खेत में काम कर रही है, शी टू इज अ सब्जेक्ट ऑफ योर फिक्शन। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और प्रेमचंद तो पिछले 30 सालों से ये काम कर ही रहे हैं, लेकिन प्रेमचंद इस बात को एक तरह की सील ऑफ अप्रूवल दे रहे हैं कि आप लोग जो प्रोग्रेसिव सोच रहे हैं यहाँ से करने की, जो जो यहाँ लखनऊ से बात उठ रही है और जिसका इफेक्ट हम बार बार देख रहे हैं, चाहे वो मजाज हो, चाहे वो मजाज जब कहते हैं तेरे माथे पे आंचल बहुत ही खूब है लेकिन तो इस आंचल से पंचम बना लेती तो अच्छा था। तो ये बातें प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी की एक तरह से लखनऊ से इसलिए शुरू हो रही है कि एक समागम, एक मीटिंग ऑफ माइंड्स हो रहा है। और आई विल गो सो फार एज़ टू से कि गांधी जी की जो सत्याग्रह है का मूवमेंट है, जो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, जो 1920 में उसकी कॉल देते हैं एंड 22 में ही कॉल्स इट बैक बिकॉज ही थिंक्स द नेशन इज नॉट रेडी, इन द 40s ही विल गिव इट अगेन एंड देन इट विल बिकम अ बिगर मूवमेंट। तो गांधी की फर्स्ट सत्याग्रह के बाद मुझे ये लगता है कि प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट अगला बड़ा पैन इंडियन मास मूवमेंट है, इसलिए, और उसकी शुरुआत लखनऊ से होती है, इसलिए कि वो लोगों में भेदभाव नहीं करते हैं, वो रिलीजन की कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो कास्ट की कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो बड़ी चीज़ों की बात कर रहे हैं, एंटी कॉलोनियलिज्म की, एंटी इंपीरियलिज्म की, वो औरतों को साथ मिला रहे हैं। जो रिफायाम हॉल में मीटिंग होती है उसमें औरतें भी हैं, रशीद जहां इज देयर, हाजरा बेगम इज देयर, सो दे डोंट, एंड द प्रोग्रेसिव राइटर्स, प्रेमचंद को ही देख लीजिए, उन्होंने कितनी कहानियां लिखी हैं औरतें जहां पे सब्जेक्ट है। तो उनकी देखा देखी जो और प्रोग्रेसिव्स हैं वो औरतों को जोड़ रहे हैं, वो जो जो शोषित तबका है, जो जो एक्सप्लॉइटेड है, जो मार्जिनलाइज है, उसको सेंटर स्ट्रीट में ला रहे हैं। अब इशारा हो गया है, और मेरे ख्याल से कुछ हमें शायरी पढ़नी चाहिए, बिकॉज़ हम तो प्रवचन कर रहे हैं। वही तो आप, मैं कुछ पढ़ूंगी फिर आप कुछ पढ़ूंगी जी, मैं कुछ ऐसे ही मूड का मजा बदलने के लिए कि हमने बहुत थ्योरी की बात कर ली, अब आप कुछ शायरी सुन। जोश मलिया बादी साहब शायर इंकलाब कहलाए जाते हैं, जोश साहब कह रहे हैं, काम है मेरा तकियार, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इंकलाब इंकलाब इंकलाब। इंकलाब इज नॉट अ डर्टी वर्ड, यू नो, हम में से लोग खासतौर से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या किसी पोजिशन ऑफ अथॉरिटी में हैं, हम समझते हैं इंकलाब कोई डरने की चीज़ नहीं है, लेकिन कोई भी बदलाव जो है उसकी बुनियाद इंकलाब होती है। वो छोटा सा इंकलाब हो सकता है, आपने अपने घर में सोचने का तरीका किसी बुजुर्ग का बदला, वो भी इंकलाब है, आपने अपनी कोई ख़राब आदत को बदला, वो भी इंकलाब है। तो जब प्रोग्रेसिव इंकलाब की बात करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बात कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्टिव बात कर रहे हैं। इसी इनकलाब की बात अलग अलग तरह से, अब मजाज, लखनऊ में रह के मजाज की बात ना की जाए मुमकिन नहीं है,
मजाज कह रहे हैं, कोसारों की तरफ से सुर्ख आंधी आएगी, जा बजा बस्तियों में आग सी लग जाएगी। अब ये वो डिस्ट्रक्टिव चेंज की बात है, लेकिन ये वो डिस्ट्रक्टिव चेंज, जैसे तांडव नाच भी तो पहले डिस्ट्रॉय करता है फिर उसमें से रिक्रिएशन आती है, उसी तरह से जब जब प्रोग्रेसिव्स अक्सर आग और इस किस्म की बातें करते हैं तो वो एक डिस्ट्रक्शन फॉर द सेक ऑफ डिस्ट्रक्शन की बात नहीं है, बल्कि वो एक जैसे फीनिक्स इट राइजेस फ्रॉम द एशेस, बर्न्स इटसेल्फ फ्रॉम इट्स एशेस इट राइजेस अगेन। तो ये वही बात है, कोहसारों की तरफ से सुर्ख आंधी आएगी, जा बजा बस्तियों में आग सी लग जाएगी, और इस रंगे शफक में बा हजारों आहताब जगमगाएगा वतन की हुर्रियत का ताब आफ्ताब। यानी जो डेमोक्रेसी की चेंज की, ये सब अभी इंडिपेंडेंस आई नहीं है लेकिन उसका इंतजार हो रहा है, उसके बारे में उसकी आवभगत हो रही है शायरी के जरिए। साहिल लुधियानवी साहब भी जो पॉसिबिलिटीज हैं सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की, जो जो हमें एक हराइजन पे दिख रहा है कि कुछ होने वाला है, एक अच्छी अच्छे दिनों की बात होने वाली है, उसका जिक्र कैसे करते हैं। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। तो ये बातें भी हो रही हैं, इस फसल की बातें भी हो रही हैं। फैज़ कहते हैं इस वक्त नहीं, ज़रा और बाद में कह रहे हैं, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। आज भी यूनिवर्सिटी के टीचर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक पे बैठते हैं तो कहते हैं हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। तो अच्छी शायरी की तो पहचान ही ये है, इट राइजेज अबाउट इट्स टाइम एंड सर्कमस्टांस। किसी मौके पे फैज़ ने कहा होगा हम देखेंगे, लेकिन अगर आज भी फैक्ट्री का वर्कर या यूनिवर्सिटी का टीचर स्ट्राइक पे बैठ रहा है और वो कह रहा है हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, ये पहचान है अच्छी शायरी। इट राइजेज अबाउट इट्स टाइम एंड सर्कमस्टांस एंड इट स्पीक्स टू यू जनरेशन। आपकी माओ ने, आपकी दादियों ने अगर कोई चीज़ पढ़ी और उनके दिल को चुभी और आप भी उसको रिपीट कर रहे हैं, ये टाइमलेस क्वालिटी है शायरी, अच्छी शायरी की। मखदूम कह रहे हैं जो हैदराबाद के शायर हैं, लो सुर्ख सवेरा आता है आज़ादी का, आज़ादी का गुलनार तराना गाता है आज़ादी का, आज़ादी का। तो शायरी तो बहुत है लेकिन मैं खासा अमिताभ जी अब थोड़ी सी आप ही सुनाइए। तो आपने तो जैसे चुन चुन के अशार पढ़े और उनकी व्याख्या और उनका विश्लेषण भी किया, वो हुनर मेरे पास नहीं है। और मुझे लग रहा था कि फैज़ की बात हुई क्यों नहीं, आपने फैज़ की बात चलाई, अच्छा किया। आजकल ऐसा भी होता है कि फैज़ की बात करने से लोग कतराते हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि इस मंच से हम फैज़ की बात कर रहे हैं। फैज़ की एक मुख्तसर सी नज़्म है, उसको पढ़ देता हूँ। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जाँ अब तक तेरी है। ये बोलने के ऊपर है, बात कहने के ऊपर है। देख की आहंगर की दुकान में तुंद है शोले, सुर्ख है आहन, फैला हर एक जंजीर का दामन, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है जिस्मो जबा की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह। विद दैट थैंक यू वेरी मच।